खबर अकोला जिले से है, जहां कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अकोला पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी गई है, जिसमें नगर निगम के पूर्व विपक्षी नेता साजिद खान पठान को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा के साथ साथ अकोला पश्चिम विधानसभा के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। इसके तहत ही अब आने वाले चुनाव में साजिद खान पठान को फिर से उम्मीदवार बनाया जाएगा और अकोला से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो अपने अकोला महानगर पालिका ने जो जुर्मी टैक्स लगाई है, जिसको जुर्मी टैक्स बोलो, कंपल्सरी टैक्स बोलो, फिर इस शहर की व्यवस्था आप देख लो, इस शहर का ट्रैफिक व्यवस्था देख लो, इस शहर के अंदर अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ये महानगर पालिका आपसे 4 गुना टैक्स तो वसूलती है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे कोई विकास नहीं, कोई फैमिली का गार्डन नहीं है, और यहाँ जवान बच्चे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पान ठेले की गाड़ी लगाते हैं, बेरोजगारी है। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी के नाम पे लोगों को बहकाया गया, लोगों को बेरोजगारी उनके हाथ में पकड़ाई गई। पिछले टाइम में मात्र 2200 वोटों से इलेक्शन हारा था, और आज जिस तरह माँ गाड़ी का साथ साथ है, और मेरे नेताओं का साथ है, कार्यकर्ताओं का साथ है, और अकोला शहर का जो रुझान है, पिछले हम इलेक्शन हारने के बाद में हमारे घर नहीं बैठे, हम जनता के बीच में जनता के प्रश्न उठाते रहे, तो मैं 2200 से जरूर हारा था, लेकिन आज मैं 22000 से इलेक्शन जीतूंगा, ऐसे मुझे आशा।